हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 51 की, यानी जानेंगे अपन इनको किस तरीके से अपने को यानी इसको फिल करना है। कंपिटेंसी राइट्स लॉन्ग फॉर्म्स अप्रोप्रिएटली एप्लीकेशन राइटिंग, यानी अपने को एक एप्लीकेशन लिखनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर स्पोकन इंग्लिश, यानी आपको अपने हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है यानी एक्स्ट्रा क्लास के लिए, स्पोकन इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को वैसे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं किस तरीके से अपने को एप्लीकेशन लिखनी है। सबसे पहले यानी अपन लिखते हैं टू, तो टू द हेड मास्टर GUPS नोहर, यानी आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे हनुमानगढ़, यानी टू द हेड मास्टर GUPS नोहर हनुमानगढ़। उसके बाद में लिखना है आपको सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट के बारे में अपने एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो अपना सब्जेक्ट क्या था, एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो कंडक्ट एंड एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश, यानी हम स्पोकन इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास के लिए ये एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। उसके बाद में सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन स्पोकन इंग्लिश, यानी वो कहते हैं हमारा विनम्र निवेदन है कि हमें यानी क्या हो रही है स्पोकन इंग्लिश में, यानी क्या हो रही है, समस्या हो रही है। सो वी नीड एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश, तो इसलिए हमें क्या है यानी स्पोकन इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास की क्या है, आवश्यकता है। तो आप हमें एक्स्ट्रा क्लास लगवाने की क्या करें, कृपया करें। प्लीज़ लुक इन टू द मैटर इमिडिएटली एंड डू द नीडफुल, यानी जो हमारा जो मैटर है उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेकर, यानी इसकी हमारी क्या की जाए, हेल्प की जाए, हमारी सहायता की जाए, ताकि हम हमारे जो यानी जो स्पोकन इंग्लिश की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको क्या किया जाए, दूर किया जा सके। उसके बाद में अपन लास्ट में लिखते हैं थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली माही क्लास एट, यानी यहाँ देखो ये जो पार्ट होता है इतना, ये पार्ट और एक जो ऊपर अपने जो पार्ट लिखा है इतना पार्ट आपको क्या है यानी प्रत्येक एप्लीकेशन का याद होना चाहिए, यानी ये सब में सेम होता है। या तो आपको ऊपर जो अपना क्वेश्चन आता है उसमें मिल जाता है, यानी ये इतना पार्ट अगर याद होता है तो भी आपको क्या है नंबर मिल जाते हैं। अब आपको जो बीच का जो बॉडी होती है, बीच की जो बॉडी जो मेन बॉडी होती है उसको आपको याद करना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद में सर लिख दिया, और उसके बाद में जो यानी मेन जो मुद्दा है यानी किस बात किस चीज़ पे अपन बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में एप्लीकेशन है, वो क्या है यहाँ पे मेन बॉडी के अंदर लिखा जाता है। जैसे मोस्ट रिस्पेक्टफुली बैक टू से डेट, यानी इतना ये सब एप्लीकेशन में क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद में किस के बारे में था, स्पोकन इंग्लिश के बारे में था, तो अपने लिख दिया वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन स्पोकन इंग्लिश सो वी नीड एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश, यानी हमें स्पोकन इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लगाने की क्या करें, कृपया करें। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, यानी जो हमारा जो मैटर है उस पर जल्द से जल्द क्या लिया जाए, एक्शन लिया जाए। तो इस तरीके से अपन एप्लीकेशन का यानी अच्छे से यानी इसकी बॉडी को लिख सकते हैं, यानी ऊपर की जो हेडिंग होती है और लास्ट की जो एंडिंग होती है उनको यानी प्रत्येक एप्लीकेशन में सेम होती है, तो आप अच्छे से इनको याद करें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।